और फाइव बैंड रेडियो विथ यूएसबी, मतलब इसमें पांच बैंड है। तो नमस्कार दोस्तों, राजा बाबू नईशरा यूट्यूब चैनल के संडे स्पेशल वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि यार आप पहले एक पैरामाउंट कंपनी का रेडियो लेकर आए थे, उसका एक ही पीस आया था तो फाइनली वो तो सेल हो गया था, तो वो रेडियो आपको बहुत पसंद आया था क्योंकि उसमें बहुत सारी फैसिलिटी थी, उसमें ब्लूटूथ भी था, उसमें यूएसबी भी था, पांच बैंड का था और दोस्तों चार्ज भी हो जाता था, सेल से भी चलता था, बहुत सारी फैसिलिटी थी। तो आज के वीडियो में हम वही स्टॉक दोबारा लेकर आए हैं जिस कंपनी का नाम है पैरामाउंट और इसमें आपको ढेर सारी फैसिलिटी मिलेंगी। यदि आप भी रेडियो के शौकीन हैं, कहीं ना कहीं आपने 90s के दशक में रेडियो से अपना मनोरंजन किया है और आपने भी हेलो फरमाइश में फ़ोन लगाए हैं या चिट्ठी डाली है तो वीडियो एंड तक देखना, हो सकता है आपकी पुरानी भूली बिसरी याद है इस वीडियो को देखने के बाद ताज़ा हो जाए। और यदि आप भी पैरामाउंट कंपनी का रेडियो ख़रीदना चाहते हैं जो कि है तो नए ज़माने का लेकिन आपकी पुरानी ज़माने की यादें ताज़ा कर देगा, तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट कर इस रेडियो को ख़रीद सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा वो रेडियो जिसका हम आज आपको रिव्यू देने वाले हैं, पूरी जानकारी देने वाले हैं, इसकी टेस्टिंग भी करके दिखाएंगे, ब्लूटूथ से कैसे चलता है वो भी करके दिखाएंगे। तो वीडियो एंड तक देखना, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना और यदि आप भी चाहते हैं कि आपके मोबाइल में इसी प्रकार के वीडियो प्रतिदिन आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये संडे स्पेशल वीडियो शुरू करते हैं। तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो रेडियो आया हुआ है उस कंपनी का नाम है पैरामाउंट। जी हाँ दोस्तों, ब्रांड न्यू सील पैक्स ये बॉक्स है और इसकी सारी जानकारी बॉक्स पे लिखी हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें आप यूएसबी भी लगा सकते हैं जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, और फाइव बैंड रेडियो विथ यूएसबी, मतलब इसमें पांच बैंड है और ये इसका मॉडल है। ये फ़ोटो आप देख सकते हैं, यूएसबी लगा सकते हैं, इसके साथ आपको एक रिमोट मिल जाएगा और पैरामाउंट की ब्रांडिंग भी देख सकते हैं। ये बहुत ही पुरानी कंपनी है जैसा कि आप जानते हैं, यदि आपने उस ज़माने में रेडियो चलाए हैं, रेडियो से आपने मनोरंजन किया है तो आप ज़रूर पैरामाउंट कंपनी को जानते होंगे। इसकी सारी जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है, पैरामाउंट का लोगो लगा हुआ है, मेड इन ये लिख सकते हैं, ट्रेडमार्क भी लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये टोपी वाली एक महिला का भी यहाँ पे फोटो लगा हुआ है जो कि पैरामाउंट के रेडियो पर आता था। और इधर यदि हम देखते हैं दोस्तों तो हमको क्या देखने को मिल जाता है, इसमें आपको मिलेगा ब्लूटूथ। जी हाँ दोस्तों, ब्लूटूथ इसमें मिल जाएगा और ब्लूटूथ से आप क्या कर सकते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन से इसको कनेक्ट कर सकते हैं और मोबाइल फ़ोन के चाहे वो MP3 हो चाहे वीडियो हो, इसमें आप बड़ी आसानी से सुन सकते हैं, तो डबल मज़ा आपका हो सकता है। और इसका मॉडल नंबर है पैरामाउंट का P52, मतलब P52 इसका मॉडल नंबर है, देख सकते हैं, और ये बिल्कुल सील पैक बॉक्स है। जी हाँ दोस्तों, और इसका एक पीस मेरे पास पहले भी आया था लगभग एक साल पहले, तो वो भी बहुत अच्छा था, मैंने सेल कर दिया, उसके बाद ये नया स्टॉक आया है। तो चलिए हम इसकी भी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और आपको रेडियो दिखा देते हैं जिससे आपकी रेडियो की पुरानी यादें ताज़ा हो जाएं। तो ये देख सकते हैं कंपनी का इसमें सील लगी थी, मैंने फाइनली इसको कर लिया है ब्रेक और ये निकाल लेता हूँ मैं रेडियो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको रख देते हैं साइड में और ये देख लेते हैं, ये निकला है दोस्तों रेडियो। थर्माकोल को हम फाइनली निकाल देते हैं और इसमें थर्माकोल साइड में रख देते हैं, बिल्कुल सील पैक्स निकला है, आप देख सकते हैं पैरामाउंट यहाँ पर भी लिखा हुआ है, पैरामाउंट की ब्रांडिंग। इसमें दोस्तों ये रिमोट भी निकला हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं, और पीछे इस प्रकार का है। चलिए इस बॉक्स को भी, इस पॉलीथीन को भी हम बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो फाइनली ये पॉलीथीन को भी मैंने निकाल दिया बाहर, आपके सामने ही टोटल अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ मैं। ये निकाल दी मैंने पॉलीथीन और ये निकला है दोस्तों रिमोट। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं, तो इस रिमोट से भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। चलिए इसको साइड में रख देता हूँ और मेन कंटेंट देख लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप सारी जानकारी लिखी हुई। चलिए इस बॉक्स से भी बाहर निकालता हूँ क्योंकि दोस्तों जब तक रेडियो सामने नहीं आएगा जब तक हम इसकी आवाज़ और कंटेंट कैसा है वो देख नहीं पाएंगे। तो फाइनली मैं इसको भी बाहर निकाल देता हूँ, जो कवर आता है साथ में, और इस कवर से भी हम इसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो आप देखते जाना वीडियो को, तो ये देख सकते हैं ये कवर को मैंने कर दिया है साइड में, ठीक है। अब इसमें एक पॉलीथीन और निकली है, इसमें बहुत सारी पॉलीथीन निकली है दोस्तों जैसा कि आप देख भी सकते हैं। तो चलिए यहाँ से भी इसको टैप को ब्रेक कर लेता हूँ मैं, तो ये टैप को ब्रेक करने के बाद इस पॉलीथीन को भी मैं
बाहर कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देखते जाना, बिल्कुल ब्रांड न्यू शील पैक रेडियो दिखा रहा हूँ आपको मैं। यहाँ पर लिखा है MP3 एवं FM, तो यहाँ पर आप USB भी लगा सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर TP लिखा हुआ है, मतलब आप एक मेमोरी कार्ड भी इसमें लगा सकते हैं गाने सुनने के लिए। इधर ब्लूटूथ का लोगो बना हुआ है, मतलब ब्लूटूथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी डिस्प्ले दी हुई है। इसके बाद यहाँ पर आप ऑक्स भी लगा सकते हैं, देखिए ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर वॉल्यूम कम डाउन का ऑप्शन भी दिया हुआ है, स्कैन का दिया हुआ, मोड का दिया हुआ है, ठीक है। और इधर देखने पर आपको एक LED दिख जाएगी, और यहाँ पर दोस्तों वॉल्यूम दिया हुआ है। यहाँ पर एक सिलेक्टर मिल जाता है जिसमें हम रेडियो और USB सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमको ट्यूनिंग मिल जाती है, तो ये सामने से देखने का है। और इधर ही हम बैक साइड से बात करें तो यहाँ पर आपको 5 बैंड सिलेक्टर मिल जाएगा। कौन कौन से बैंड है, जैसा कि आप देख सकते हैं, TV1, TV2, FM और शॉर्ट और मीडियम। तो इसमें ये 5 बैंड आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको चार्ज करने का ऑप्शन मिल जाता है, नॉर्मल आप अपने घर के चार्जर से इसको चार्ज कर सकते हैं। बस ये सी टाइप से नहीं होगा, जो नॉर्मल USB आता उससे हो जाएगा। और यहाँ पर आप सेल लगा सकते हैं, देख सकते हैं आप, ये सेल लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर आप 3 सेल लगा सकते हैं, जी दोस्तों 3 सेल लगा कर चला सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से सेल लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको चार्ज करें और लगभग 2 से 3 घंटा इसकी बैटरी चलती है। और यहाँ पर दोस्तों इसमें मिल जाता है आपको एक एंटीना, जी हाँ दोस्तों। तो चलिए आपको सामने से दिखाते हैं, तो इस प्रकार का ये है। और अब इसको हम करने जाले हैं ऑन, जी हाँ दोस्तों। तो यहाँ पर ऑन करेंगे तो देख सकते हैं ये ब्लूटूथ मोड पर ये ऑन हो गया। चलिए हम इसको रेडियो पर सिलेक्ट कर लेते हैं, रेडियो पर ये सिलेक्ट हो गया। अभी हम इसको FM लगाते हैं, ठीक है। अभी हम FM लगाते हैं दोस्तों इसमें, FM चलने लगा है दोस्तों, देख सकते हैं आप, आवाज़ सुन सकते हैं। तो आपने देखा दोस्तों इसमें FM चल रहा है। चलिए शॉर्ट और मीडियम और देखते हैं। एक्चुअली में इस दुकान में बहुत ज़्यादा लाइट है, तो हो सकता है ना चले, कोशिश करते हैं। दोस्तों यदि आप शॉर्ट और मीडियम चलाना चाहते हैं तो इसको आपको बाहर ले जाना पड़ेगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए शॉर्ट मीडियम बहुत कम चलेगा। और इसमें सारे बैंड आप बड़े आसानी से चला सकते हैं। चलिए अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं USB पर और आपको ब्लूटूथ कनेक्ट करके दिखाते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आवाज़ आएगी, ब्लूटूथ मोड की आवाज़ आ गई। यहाँ पर USB लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको ब्लूटूथ कनेक्ट करके इसकी आवाज़ सुनाता हूँ, ठीक है। तो ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए आपको मोबाइल लेना पड़ेगा, उसमें ब्लूटूथ यहाँ पर देख सकते हैं आप, उसको ऑन करना पड़ेगा। तो मैंने ब्लूटूथ ऑन कर लिया, देख सकते हैं आप मोबाइल में, और इस पर क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ पर इसका नाम लिखा आएगा रेडियो का, तो आप देख सकते हैं इसका नाम अभी आएगा सर्चिंग में, तो उसको हमको कनेक्ट करना है। तो ये देख सकते हैं इसका नाम आ गया BT-V09, इसको कनेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर लिखा आ गया पेयर, तो इसको पेयर कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया है फाइनली। चलिए अब हम इसकी आवाज़ आपको सुनाते हैं, तो कोई हम यूट्यूब का वीडियो चलाते हैं हमारा ही वाला, और चलाएंगे कोई ऑडियो कैसेट रिव्यू वाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑडियो कैसेट रिव्यू का वीडियो चलाता हूँ मैं, ये देख लीजिए। कैसे लगे आपको मिथुन साहब की फूल और अंगार ऑडियो कैसेट के गानों की झलकियां? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे लगे होंगे। और गाने सुनकर और कैसेट से गाने सुनकर कहीं ना कहीं आपको वो 90s का स्वर्णिम दशक। तो दोस्तों अभी आपने देखा बहुत अच्छी तरीके से ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया है, आप कोई भी गाने, कोई भी भजन, कोई भी MP3 सुन सकते हैं। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं ये मेरे वीडियो हैं, कोई भी आप चला सकते हैं। जैसे मान के चलिए मैं ये चलाता हूँ, ठीक है, ये देख लीजिए। कैसे जी
तो दोस्तों अभी आपने देखा इसमें ब्लूटूथ बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट होता है और बहुत अच्छी आवाज़ आती है, आप दूर बैठकर भी इसमें आप गानों का मज़ा ले सकती हैं। ठीक है, वीडियो डिस्कनेक्ट कर दिया मैंने, और इसमें आप यहाँ लगाकर USB भी लगा सकते हैं, उसके गाने भी सुन सकते हैं, मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं और रिमोट से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा सेट है, नए ज़माने का है लेकिन पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि इसमें रेडियो के साथ साथ में आपको नए ज़माने के ब्लूटूथ और USB भी मिल जाते हैं। यदि आपको ख़रीदना चाहते हैं तो आप ख़रीद सकते हैं। रही बात इसकी प्राइस की, तो दोस्तों ये 1200 रुपये का है, 1200 रुपये का है, डिलीवरी चार्ज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, बिल्कुल ब्रांड न्यू सील पैक पैरामाउंट कंपनी का है। इसके दो पीस मेरे पास अभी हैं, तो जो पहले आएगा उसको पहले दिया जाएगा। ऑर्डर करने के लिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट आपको पहले करना पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा और ये रेडियो देखकर आपकी पुरानी यादें जरूर ही ताज़ा हो गई होंगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, और ये रेडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पुरानी भूली बिसरी यादें ताज़ा करते रहिए। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।